हेलो दोस्तों, आज फिर एक और एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम के ऊपर, जो कि आपका पड़ता है पुणे सिटी के अंदर। शोरूम का पूरा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आज हम दोस्तों ओकिनावा की तरफ से आने वाला आई प्रेस प्लस स्कूटर के रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। इसका पूरा ओवरऑल रिव्यू हम करने वाले हैं। दोस्तों एक बार आप स्कूटर को चारों तरफ से देख लीजिए, उसके बाद हम पूरा एक एक फीचर के बारे में स्कूटर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों हाँ, तो दोस्तों आपने पूरा स्कूटर का और शोरूम का पूरा व्यू देख लिया। हम दोस्तों एक एक करके सभी फीचर्स के बारे में स्कूटर के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो स्कूटर आप देख पा रहे हो ओकिनावा की तरफ से आने वाला, इनका आज की डेट 2022 में मेन मॉडल यही है, आई प्राइस प्लस इसका नाम है। साथ में इसके साथ आपको एक दूसरा मॉडल देखने को मिलेगा जिसमें आपको रेंज का डिफरेंस मिलेगा, वो है आपका प्राइस प्रो। लेकिन ये जो मेन मॉडल है इसके बारे में हम अभी डिटेल में सभी बातें करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इंडिकेटर की। यहाँ पे आपको हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। सामने से आपका स्कूटर कुछ इस तरह का होने वाला दोस्तों। यहाँ पे आपके स्कूटर का आप ये देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगा, आरटीओ पासिंग होता है स्कूटर का। फिर हम दोस्तों आगे की बात करेंगे तो आपको ये देख पा रहे हो दोस्तों व्हाइट DRL, लंबे DRL इसके अंदर दिए गए हैं जो कि आप देख पा रहे हो। साथ में आपको LED हेडलाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साइड में भी आपको यहाँ पे ये देख पा रहे हो दोस्तों, ये भी लाइट्स इसमें LED ही दी गई हैं। साइड से देखने में आप देख पा रहे हो काफ़ी स्पोर्टी लुक में आपको स्कूटर देखने को मिलने वाला दोस्तों। ये जो स्कूटर आप ओकिनावा का देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें काफ़ी हाई क्वालिटी का सारा मटेरियल यूज़ किया गया, कोई भी लोकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं एक एक करके आपको सभी चीज़ें अभी दिखाने वाला हूँ, आप खुद ही देख लेना। ये देख पा रहे हो दोस्तों इसमें इस तरह का मरगार्ड, साथ में आपको इसमें हैवी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ आपको स्कूटर देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे हो दोस्तों डिस्क ब्रेक भी ओकिनावा ही कंपनी का आपको देखने को मिलने वाला है। आगे भी इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, पीछे भी इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। 12 इंच का ट्यूबलेस टायर अलॉय व्हील के साथ आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपकी आंखों के सामने आप देख पा रहे हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसमें मटेरियल यूज किया गया है। हम दोस्तों स्कूटर के लेफ्ट हैंड पे जाएंगे तो जैसा आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड से देखने में आपका स्कूटर कुछ इस तरह का होने वाला है। काफ़ी अच्छी इसमें DRL लाइट्स आपकी इसकी लुक देख पा रहे होगे, काफ़ी अच्छी स्पोर्टी इनहेंस लुक आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम दोस्तों लेफ्ट हैंड पे जाएंगे तो आप देख पा रहे होगे इसमें यहाँ पे ली आयन लिखा गया है, जैसे कि इसमें मैं बता देता हूँ आपको, रिमूवल लिथियन आयन बैटरी का यूज किया गया है। कुछ इस तरह का आपको साइड स्टैंड, बड़ा स्टैंड ऐसे देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलने वाला है। लेग स्पेस की बात करें तो दोस्तों आप देख पा रहे होगे काफ़ी अच्छा इसमें लेग स्पेस। साथ में यहाँ पे ऑरेंज रिफ्लेक्टर दिया गया है, यहाँ पे आपका चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, 3 पिन 16 एम्पियर का इसमें चार्जिंग आप घर पे इस पर कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हम आगे की बात करें तो इसमें यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाएगा, जो कि आप पूरा पूरा इसमें देख पा रहे हो। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी इसमें दिया गया है, साथ में आपको बैग हुक यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब हम दोस्तों इस स्कूटर की यहाँ पे इग्निशन सिस्टम की बात करें, ऑन ऑफ और आपका सीट ओपन यहीं से हो जाता है। दोस्तों हम चाबी के बारे में बात कर लेते हैं। इस स्कूटर के अंदर आपको दोस्तों कुछ ओकिनावा की तरफ से आने वाली ऐसी 2 की और 2 रिमोट देखने को मिलेंगे। लॉक अनलॉक एंड की लेस स्टार्ट इसमें दिया गया है। साथ में मैं दोस्तों बता देता हूं इसमें आपको ओकिनावा इको एप्लीकेशन मोबाइल में मिल जाएगा, जिसके अंदर आप इसको स्कूटर को लाइव ट्रैकिंग, आपकी बैटरी परसेंटेज, बाकी सभी इंडिकेशन अपने स्कूटर के अंदर देख सकते हैं। आपके स्कूटर के अंदर एंटी थेफ्ट अलार्म दिया गया है, जिसमें आपका मोटर लॉक हो जाता है, स्कूटर चोरी होने का कोई खतरा नहीं है। साथ में ऐप के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब हम दोस्तों स्कूटर के हैंडल के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको यहाँ पे 2 मिरर साइड मिरर लग के मिलेंगे कंपनी की तरफ से।
जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, ये जो आप देख पा रहे हो कितने अच्छे मटेरियल का इसमें यूज किया गया, इसमें कोई चीप मटेरियल यूज नहीं किया गया। देख पा रहे हो आप कितना यूनिक एंड प्यारा लग रहा है ये। आपके स्कूटर में आपको ऐसा इस तरह के मटेरियल का यूज नहीं देखने को मिलेगा आसानी से। साथ में हैंडल की बात करें, हेडलाइट हाई लो बीम के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, हॉर्न के लिए आपको यहाँ पे, ये जो दोस्तों आप देख पा रहे हो ग्रीन बटन है ये टर्बो के लिए है। टर्बो यानी इसमें पावर इनहेंस करने के लिए बटन दिया गया। इसमें तीन मोड दिए गए हैं, इको, स्पोर्ट्स एंड टर्बो। साथ में ही आपको रिवर्स इसमें देखने को मिल जाएगा दोस्तों। राइट हैंड पे जाएंगे हेडलाइट ऑन ऑफ के लिए, साथ में हॉर्न के लिए, इको एंड स्पोर्ट मोड के लिए ये बटन आपको यहाँ पे, ये बटन जो ग्रीन देख पा रहे हो राइट हैंड पे, इको एंड स्पोर्ट मोड के लिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपकी रेस हो गई दोस्तों। दोस्तों इसकी एमआईडी की बात करें तो आपको कुछ इस तरह की डिजिटल एमआईडी देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको इंडिकेटर के लिए, हेडलाइट के लिए सब इंडिकेशन, साथ में आपको यहाँ पे टोटल किलोमीटर के लिए, ट्रिप A1 के लिए, बैटरी के बार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, टोटल स्पीड आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी सब आप इसको ऐप में भी सब आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं, स्कूटर को ऐप में आपको सारी चीज़ें इसकी देखने को मिल जाएंगी। एक बार मैं इसको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह की आपकी टोटल MID होने। ये तो दोस्तों अपनी MID की वगैरह की सभी बातें होगी। अब हम स्कूटर के लेफ्ट हैंड पे आगे बढ़ते हुए आएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी आई प्रेस प्लस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। ओकिनावा की तरफ से आने वाले इस स्कूटर के अंदर आपको रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। सिर्फ एक ही कलर में आपको स्कूटर देखने को मिलने वाला है, लेकिन स्कूटर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया गया है। साथ में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये आपको फुटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें 12 इंच ट्यूबलेस टायर का पीछे भी इस्तेमाल किया गया है। साथ में इसके अंदर आपको जो हब मोटर दी गई है वो भी ओकिनावा की तरफ से आती है। अब हम दोस्तों इसके सोकर की बात करें तो आपको एडजस्टेबल स्प्रिंग सोकर इसमें देखने को मिल जाएंगे। पीछे जब हम स्कूटर के आएंगे तो आपको LED टेल लाइट, साथ में LED ही इंडिकेटर इसमें देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। कुछ इस तरह का पीछे से आपका स्कूटर होने वाला है। सीट की बात करें तो दोस्तों, सीट आपको काफ़ी लंबी और चौड़ी, दो लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल सीट दी गई है। साथ में ब्लैक कलर की ग्रिल आपको इस तरह इस शेप में दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने से। अब हम दोस्तों नीचे बात करें तो जैसा मैंने बताया, इसमें पीछे भी डिस्क ब्रेक आपको ओकिनावा कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों। अब मैं दोस्तों इसकी सीट ओपन करके आपको दिखा देता हूं। आपकी सीट ओपन करने के बाद आप अपनी सीट की फिट एंड फिनिश भी देख सकते हो दोस्तों। कुछ इस तरह की इसमें फिट एंड फिनिश दी गई है। साथ में यहाँ पे MC दी गई है। इसको गिरा के आप अपनी बैटरी को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड दोस्तों। आप देख पा रहे होगे ओकिनावा ही कंपनी की इसके अंदर बैटरी दी गई, लिथियम आयन बैटरी है, रिमूवल बैटरी है। इसको यहाँ से हटा के, सॉकेट हटा के आप अपने घर पे थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर पे जहाँ पे भी आप रहते हैं इसको ले जाके अपने घर में इसको चार्ज करके लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों स्कूटर की हम चार्जिंग टाइम की बात करें तो 4 से 5 घंटे के अंदर आपका स्कूटर फुल चार्ज हो जाएगा। साथ में आपकी 4 यूनिट यानी करीबन 28 से 30 रुपए का ही खर्चा है स्कूटर लेने वाला। रेंज की बात करें तो दोस्तों 160 का रेंज कंपनी क्लेम करती है, लेकिन रियल में 140 तक का आसानी से ये रेंज आपको निकाल के दे देता है। ओकिनावा की तरफ से आने वाला आई प्रेस प्लस स्कूटर ये होने वाला दोस्तों। अब हम दोस्तों इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 58 to 60 की स्पीड तक आप इसको ले जा सकते हैं। लोड कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों इस पर 150 से 170 kg तक का आप इस पे लोड ले जा सकते हैं। कर्व वेट की बात करें तो ओवरऑल जो आपके स्कूटर का वेट होने वाला है 110 kg का आपका स्कूटर होने वाला है दोस्तों। एक बार दोस्तों मैं इसकी पूरी बैटरी आपको दिखा देता हूं, एक बार आप बैटरी भी देख लीजिए। ये जो दोस्तों आप बैटरी देख पा रहे हो आई प्राइस प्लस की बैटरी है, ओकिनावा की तरफ से आने वाली बैटरी। कुछ इस तरह की आपको इसके अंदर बैटरी देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो लिथियम आयन बैटरी है ये। इसकी बात करें आज की डेट में सब्सिडी हटा के 1,33,000 पुणे सिटी के अंदर इसको आपको ऑन रोड प्राइस इसका पड़ने वाला है। साथ में इसके अंदर आपको 3 ईयर के लिए बैटरी और मोटर की वारंटी देखने को मिलेगी दोस्तों। अगर दोस्तों ओकिनावा का ये स्कूटर आपको पसंद आया हो, अगर आपको ये खरीदना है तो इसके लिए आप ओकिनावा के पुणे सिटी वाले शोरूम पर आके इसको खरीद सकते हैं। एड्रेस आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओंद बानेर लिंक रोड के ऊपर ये शोरूम आपको मिलने वाला है। साथ में दोस्तों अगर आपको ये स्कूटर का वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।